गाइस लास्ट एक मिनट बचा हुआ है, लास्ट एक मिनट बचा हुआ, गेट लग जाएगा। हाँ गाइस, तो मेरा आज का ट्रेन है शाम के 7:10 में, बट अभी 6:20 हो गए, मुझे लेट हो रहा, जल्दी से मैं निकलता हूँ फिर एंड आपसे स्टेशन पे बात करता हूँ। गाइस लास्ट एक मिनट बचा हुआ है, लास्ट एक मिनट बचा हुआ, गेट लग जाएगा। गाइस एक मिनट से मेरा ट्रेन बच चुका है, यहाँ पे गेट लग गया। अगर हुआ कि ट्रेन बस एक मिनट से बच गया, तो मैं जो सीट मिला उसी सीट में घुस गया, बट मेरा कोच तो बहुत आगे। हाँ, B3 कहाँ पे? आगे, बहुत आगे, तो बहुत ज़्यादा ही आगे जाना पड़ेगा अभी, मतलब कि मैं लास्ट में जल्दी से दौड़ के किसी भी मतलब बोगी में घुस गया यार। आगे तो चेंज कर लूँगा, बट ऐसा है कि ये गेट एक बार लग जाता है दोबारा ओपन नहीं होता है, मतलब ओपन होगा कहाँ पे? अगले स्टॉपेज पे। चलिए फिर अपने कोच पे चलता हूँ। हालत ख़राब हुई भाई, मतलब कि ट्रेन के लास्ट में से हमको जाना पड़ रहा है B1 में, अभी B2 तक पहुँच चुका हूँ, बस एक कोच और है। हाँ भाई, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं B1 अपने कोच में पहुँच चुका हूँ, ठीक है, तो फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं जो लास्ट ब्लॉग था तो उसमें मैं ये ब्लॉग पहले ही बना चुका हूँ तेजस का, बट ये ब्लॉग बनाने का स्पेशली ये मेरा कारण था कि लास्ट टाइम बहुत कोई कमेंट किए थे, बहुत किसी को समझ में नहीं आया था, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस ब्लॉग में एक एक डिटेल के साथ आप लोग को मैं समझाऊं, ठीक है, तो फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो राजेंद्र नगर के बाद हम लोग यहाँ पे क्या पटना जंक्शन पहुँच चुके हैं, पटना जंक्शन हमारा शहर। भाई दादा को बता दूँ तो मेरा सीट ये 34 यानी कि ये बीच वाला होगा। भाई देव तेजस को ये साफ सफाई यार, डस्टबिन, मिरर, गद्दे एंड के मतलब कि दिल खुश कर देता है यार, मतलब तेजस आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखा हुआ है, डस्टबिन भी है क्लीन एकदम, मज़ा आ जाता है। और ये आपका भाई सिद्धार्थ। लोग को आने से पहले मैं विंडो वाला सीट मतलब पकड़ लिया, मतलब कि मेरा भी ट्रेन पटना जंक्शन से था, बट मैं राजेंद्र नगर से इसलिए पकड़ लिया कि मेरे घर से नज़दीक होता है, ठीक है, मतलब कि खुलती तो है ट्रेन राजेंद्र नगर से ही, तो मैं वहीं से पकड़ लिया था यहाँ से, बट नज़दीक भी और पहले पहुँचने, मतलब अभी तो कोच पूरा खाली है एंड इस स्टेशन पे तो पूरा भर जाएगा, बट कोई नहीं, मिल गया, बैठते हैं। हाँ भाई, तो हमारा ट्रेन का खुलने का टाइम था 7:35 एंड खुल चुका है ट्रेन, गेट लॉक हो गया। चलिए ठीक है, पूछेंगे। 43 के जा रहा था, हम कहेंगे 3 गाड़ी भी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। और हां भाई, तो ये सेकंड नंबर पे अब लगा है कि थोड़ा जूस है, माई का मैंगो जूस, मेरा भी थोड़ा देख, लेकिन कुछ कम कुछ ज्यादा होता है ना। हां, सो तो है। भाई ये मैं क्या कह रहा था, इनका दाल है, पनीर, चावल, रोटी है ना। वहाँ पे अंकल कैसा है, अंकल टेस्ट खाने का? फर्स्ट क्लास, सही है सब चीज। अंकल वेज ऑर्डर किया था, इनका वेज है, मेरा नॉन वेज है, तो वो भी आने में टाइम है, सब चीज सही है ना, सब चीज एकदम फर्स्ट क्लास है, रोटी चावल सब, दाल का क्वालिटी एकदम एक नंबर है, सुधा का दही देख ही रहे हैं, और चार स्पेशल देख ही रहे हैं। अभी तो हमारा नॉन वेज आ गया है, 43 हमारा नॉन वेज आ गया, चलिए देखते हैं क्या क्या। हाँ भाई, तो वेज और नॉन वेज ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यहाँ पे पनीर था, मेरे में चिकन है,
बाकी सब कुछ सेम ही है। और ये अचार हाई चॉइस, चलो टेस्ट करके बताते हैं। टेस्ट तो बता नहीं सकता, मतलब काफी अच्छा है और दाल चावल सब कुछ अच्छा ही है, बाकी देखने में भी अच्छा लग रहा है, सब सही है, चलेगा। सेवा समाप्त ऐसे उनसे बात भी कुछ सुधा का आइसक्रीम ये तेजस का किचन। हाँ भाई, रात के 10 बज रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग अभी ट्रेन में एंड, यहाँ पे दो भाई लोग, नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम अली हजरत है। अली हजरत है, आपका क्या हुआ? हाँ, तो ये लोग हैं जो हम लोग की सेवा करते हैं इस ट्रेन में, बट इनका कहना है कि अब लोग जो पैसेंजर होते हैं वो लोग थोड़ा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो यार थोड़ा देखा करो, भाई लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना अच्छे से, मतलब कि एकदम सब चीज़ ध्यान देते हैं, तो इन लोग को भी रिस्पेक्ट दिया करो, है कि नहीं? भैया बता रहे थे कोई थूक दिया था, भैया बता रहे थे कोई कोच में थूक दिया, कहीं भी थूक देता है, तो ये सब गलत है यार, ठीक है? थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया करो भैया सब, है कि नहीं भैया? सभी लोग अच्छे से आए, अच्छे से जाएं। हाँ। और कोई ज्यादा गंदगी करते हैं लोग इस गाड़ी पे, ज्यादा गंदगी करते हैं। अच्छा ठीक है, तो होता है थोड़ा, तो जो भी बिहार के लोग, जो भी मेरे भाई लोग हैं पटना से, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो यार, थोड़ा साफ सुथरा रखा करो, ठीक है? एंड यार भैया से मिले काफी अच्छा लगा, तो आप लोग आओ तो थोड़ा ध्यान दिया करो, है कि नहीं? साफ सुथरा का एंड थोड़ा रिस्पेक्ट दिया करो यार, इतना मेहनत करते ये लोग दीनदयाल में। आज रात हो गई तो यहाँ पे सब लोग सो गए हैं, ऐसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डीडीएम लगा हुआ है ना, ये रात के अंधेरे के लिए, बट कोई इनका इससे कोई फ़ायदा है, ब्लू लाइट है तो ऐसे भी दिखता है, बट सही है यार लगाने से, काफ़ी अच्छा है, क्लियर लाइट है। हाँ भाई, तो कोविड के टाइम मतलब ये हुआ था कि मतलब कि जो भी ब्लैंकेट या टॉवल इसे मिलते थे तो सब मतलब आना बंद हो गया था, बट इससे मतलब 2022 के अप्रैल से ये सब स्टार्ट हो गया फिर से। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, टॉवल है, ब्लैंकेट है एंड एक पिल्लो, तो अप्रैल से ये सब भी अब स्टार्ट हो गया है, उन लोग को ये सब अब सुविधा मिलेगी। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अच्छे से, एक पिल्लो, एक बेडशीट या ब्लैंकेट जो कहिए, एंड एक ये मोटा वाला ब्लैंकेट एंड एक टॉवल छोटा सा। चलो सही है यार, ऐसे भी जो लोग ऊपर में सोते होंगे उन लोग को यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ठंड लगता होगा, उनके लिए तो वो एकदम परफेक्ट है। हाँ, तो रात की 11 बज रहे हैं, चलिए फिर सोते। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, सुबह के 6:30 बजे और यहाँ पे चाय किट आ चुका है, क्या नाम है? तो भाई कल रात को मैं जल्दी सो गया और मतलब सोने के कारण मैं कोई तबियत दिखा नहीं पाया, मतलब रात में इतना ठंड लगा कि थोड़ा तबियत खराब कर रहा था, तो सोने के कारण मैं कोई स्टॉपिज आपको नहीं दिखा पाया। बाथरूम दिखाता हूँ कैसा है, क्या साफ सुथरा क्या है। हाँ भाई, यही है तेजस का बाथरूम, जो भी बोल रहे हैं, काफ़ी अच्छा साफ सुथरा से, मतलब हमेशा साफ सुथरा रहता, मतलब कि अभी सुबह के 6:30 बजे ठीक है,
बट फिर भी अभी तो लोग आते जाते रहते, बट फिर भी उसके बाद फिर भी इतना क्लीन है। एंड यहाँ पे बेबी सीटर, ये सब तो वही है, मतलब कि प्रेस करो। हाँ भाई, तो आप लोगों को पता है मतलब कि जैसे कि हम लोग के घर में फ्रीजर होता है, डीप फ्रीजर होता है, तो उसी तरह से ट्रेन में भी होता है। रुकिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ भाई, तो यही है ट्रेन का फ्रीजर, मतलब फ्रीजर है ना, फ्रीजर है उधर, डीप फ्रीजर है ना, फ्रीजर डीप फ्रीजर, ये क्या है है ना, खाना गर्म होता है, ये फ्रीजर है ना। हाँ गाइस, तो हम लोग दिल्ली अब पहुंच चुके हैं। सर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा ट्रेन, बाय बाय, एंड दिल्ली में हम लोग आ चुके हैं। हाँ गाइस, जो मेरा लास्ट ब्लॉग था उसमें बहुत लोग मतलब कमेंट किए थे यार कि कुछ खाना इंक्लूडेड ये सब, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप टिकट बनाते टाइम खाना का इंक्लूड करवाएँ तो इंक्लूड रहेगा, नहीं करवाएँ तो नहीं रहेगा। और रहा वेज नॉन वेज, तो वो आकर खुद आपसे पूछेंगे कि हाँ भैया आपको वेज चाहिए नॉन वेज चाहिए। अगर कि कोई श्योर नहीं है कि मेरा नहीं है, तो वो उनसे जब वो आए पूछने के लिए तो तभी आप श्योर हो जाओ, ठीक है कि नहीं, पूछ लो कि हाँ अगर मैं इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड है, तो वो खुद आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपका इंक्लूड रहेगा तो वो खुद आपसे पूछेंगे कि हाँ आपका नॉन वेज चाहिए या वेज चाहिए, नहीं रहेगा तो नहीं पूछेंगे, सिंपल सी बात है। एंड करते इस ब्लॉग के यहीं पे, मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारा तेजस सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है पटना टू दिल्ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।